आपका यूनिक समाचार में स्वागत है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हो गए हैं, 2 आतंकवादी ढेर बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बुधवार को आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की टीम पर हमला कर दिया। अनंतनाग में बस स्टैंड के पास हुए इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। एनकाउंटर में जवानों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि अनंतनाग में बाइक सवार 2 नकाबपोश आतंकी आए और सीआरपीएफ और पुलिस बल के जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसमें सीआरपीएफ के कई जवान घायल हो गए, साथ ही राज्य पुलिस बल का एक एसएचओ भी घायल बताया जा रहा है। शहीदों में एक एएसआई भी शामिल है। एसएचओ सदर अनंतनाग इंस्पेक्टर इरशाद गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें सीने में गोली लगी है। डॉक्टरों ने उन्हें श्रीनगर अस्पताल रेफर कर दिया है। इस आतंकी हमले में महिला भी घायल है, जबकि इस गोलीबारी में एक आतंकवादी मारा गया है, वहीं दूसरे आतंकवादी की तलाश जारी है। अभी एनकाउंटर चल रहा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पूंछ में पाकिस्तान ने सोमवार को सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। गोलीबारी में एक जवान घायल भी हुआ है। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी शुरू की गई, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के जरिए कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान ने ईद का दिन भी नहीं छोड़ा और उस दिन भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। धन्यवाद।